Hello friends, again we are starting रेशियो चैप्टर और उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियोज आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड operating profit ratio and return on investment ratio. So we'll look all the formulas one by one. The first is gross profit ratio. Gross profit ratio is gross profit divided by revenue from operation. अपनी साधारण भाषा में बोलूं तो sales. Gross profit divided by revenue from operation. और जब भी revenue from operation कहा जाता है it is always net. अगर question में return दिया हुआ है तो उसको हम minus करेंगे, ठीक है, net sales into 100. Gross profit ratio का formula क्या है? Revenue from operations, that is sales minus COGS. मेरी sales में से cost को minus करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Gross profit. और cost of goods sold की formula क्या है? Cost of goods sold is equal to sales minus GP और opening inventory, excluding stores, spares, loose tools. ये हर जगह मैंने लिखा हुआ है. Plus purchase, plus direct expense, minus closing inventory. एक्सक्लूडिंग स्टोर स्पेयर्स, जब भी इन्वेंट्री की बात करते हैं स्टोर स्पेयर्स इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, डिवाइड बाय 100 करूंगा, आई विल गेट द आंसर। क्लियर है? अब ये दूसरा एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ये भी एक फॉर्मूला होती है जो बहुत रेयर केस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सो ग्रॉस प्रॉफिट COGS मिल गया, पुट इनटू द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट सेल्स। जहां कहीं भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज नेट ही होता है, माइनस रिटर्न, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वही होता है, इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे लेना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट एंड माइनस टैक्स। सो नेट प्रॉफिट मुझे दो तरह से मिल सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में जब नॉर्मल पीएनएल बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस करूंगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, या उल्टा आई एम गोइंग रिवर्स, मुझे दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्लियर है? सो बिफोर था उसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट नेट प्रॉफिट रेशियो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मिल गया, आई पुट इन द फॉर्मूला, आई गेट द आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट सेल्स इंटू 100। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या आएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? इट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ये अपनी फॉर्मूला डन हो गई, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिया तो मुझे ऊपर मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई एम डन विद द आंसर। सो COGS plus operating expense divided by revenue from operation, I'll get the operating ratio. Next and very important ratio is operating profit ratio. Operating profit divided by revenue from operations. Operating profit divided by revenue from operation, net sales into 100. So operating profit कैसे मिलेगा? Profit before tax प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यूजुअली दो ही आते हैं, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड फाइनेंस कॉस्ट। दो ही चीजें आएगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन बर्न बाय फायर, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो लॉस हुआ वो आएगा, प्लस फाइनेंस कॉस्ट आएगी, माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? मेरे बिजनेस के अलावा जो भी मेरी इनकम होती है, लाइक रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं क्या करूंगा? माइनस। और ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो मुझे क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द आंसर। तीसरा तरीका है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, उससे मेरे को क्या मिल जाएगा? operating profit. Non-operating expense includes interest on long-term loans, जैसे मतलब the interest आएगा, loss on sale of current assets, etc. और non-operating income में क्या क्या आएगा? Interest received on investment, profit on sale of non-current assets, etc. Clear है? In short, जो मेरा operating profit है, non-operating मेरा जो profit after tax आता है, उसके अंदर मुझे non-operating expenses add करने हैं और non-operating expense क्या करनी है? Income क्या करनी है? Minus. Clear है? Fine. And the last is return on capital employed. Very important formula. This is return on capital employed or return on investment. Formula: profit before interest, tax, and dividend divided by capital employed into 100. So capital employed is equal to share capital plus revenue, reserves, and surplus plus long-term debts. Capital employed already हम debt equity ratio बहुत सारी formula में सीख चुके हैं. ये वापस का repetition हो रहा है. Capital employed is own fund plus borrowed fund. दूसरा तरीका है इसका टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर अच्छे समझना है तो आई हाईली रेकमेंड यहाँ की जगह गो टू द अदर वीडियो जिसके अंदर मैंने डेट इक्विटी रेशियो समझाया. बहुत डिटेल में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढा जाता है वो समझा हुआ है, बट यहाँ पे भी शॉर्ट में समझाया गया है. और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू मस्ट एक्सक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वही मुझे इंक्लूड करना है. नॉन ट्रेड का जो भी इंटरेस्ट मिला है वो मुझे उसके अंदर से क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है. एंड दैट्स वेयर वी कम टू द, ये माइनस को मुझे आना है, दैट्स वेयर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. इसके अंदर हमने सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हमने कवर किया हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप फॉलोइंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो डाउनलोड द ऐप.